हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनीता हंसनंदानी के बारे में। यह एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री और टेलीविजन अभिनेत्री हैं। यह नताशा नाम से भी जानी जाती हैं। दोस्तों, अब बात कर ली जाए इनकी जन्म तिथि के बारे में। इनका जन्म 14 अप्रैल 1980 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में एक मध्यम वर्गीय सिंधी परिवार में हुआ था। और इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी माता का नाम कविता हंसनंदानी है, जो की एक गृहिणी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। 14 अक्टूबर 2013 को अनीता ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रोहित रेड्डी के साथ शादी के बंधन में बन गई। रोहित एक बिजनेसमैन है और 9 फरवरी 2021 को उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला, इसका नाम रवि रखा। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके करियर के बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। उन्होंने 1998 में टीवी सीरियल हरे कांच की चुड़िया से टेलीविजन पर अपने अभिनय की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने निशा की भूमिका निभाई थी। और उन्होंने हरे कांच की चुड़िया से अपना टेलीविजन डेब्यू किया। इसके बाद वे 2001 में टीवी सीरियल कवि सौतन कवि सहेली में तनुश्री की भूमिका निभाने से उन्हें काफी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई। उन्होंने कॉमेडी नाइट्स का जादू और कोड रेड जैसे टीवी शो को होस्ट किया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि उन्होंने स्टार प्लस के लोकप्रिय टीवी सीरियल यह है मोहब्बतें में सगुन अरोड़ा का नेगेटिव किरदार की भूमिका निभाई थी। उनकी इस भूमिका को लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया। और 2008 में उन्होंने फेयर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी के पहले सीजन में भाग लिया था। वह मूवीन के साथ लोकप्रिय कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स बचाओ में दिखाई दी थी। उन्होंने डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा के सीजन 8 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में भाग लिया था। दोस्तों, 2019 में अनीता हंसनंदानी अपने पति रोहित रेड्डी के साथ नचबलिए 9 में एक प्रतियोगी जोड़ी के रूप में दिखाई दी थी। उन्होंने टीवी सीरियल नागिन 3-4-5 में विशाखा खन्ना की भूमिका निभाई थी। वह कृष्ण कोई आपसा और यह दिल है जैसी कई हिंदी फिल्मों में भी दिखाई दी है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अनीता हंसनंदानी के अवार्ड्स के बारे में। 2005 में उन्हें टीवी सीरियल काव्यांजलि के लिए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर्स जूरी का अवार्ड मिला था। और 2014 में उन्हें टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें के लिए गोल्ड अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल पॉपुलर का अवार्ड मिला था। 2015 में उन्हें टीवी सीरियल ये है मोहब्बतें के लिए इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस इन नेगेटिव रोल जूरी का अवार्ड मिला था। 2019 में उन्हें टीवी सीरियल नागिन 3 के लिए इंडियन टेलीविजन अवार्ड में बेस्ट एक्टर्स इन सपोर्टिव रोल का अवार्ड मिला था। अब हम बात करते हैं इनकी फेवरेट चीजों के बारे में और इनके शौक के बारे में। इनके शौक है पढ़ना और खाना बनाना। इनका फेवरेट फूड है मछली करी। इनके फेवरेट अभिनेता है अमिताभ बच्चन। इनकी फेवरेट अभिनेत्री है हेमा मालिनी, रेखा, डिम्पल कपाड़िया। इनकी फेवरेट फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इनकी फेवरेट किताब है एरिक साइकल द्वारा प्रेम कहानी। इनकी फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा और लंदन है। इनके पास एक BMW कार भी है और यह एक एपिसोड का 50 से 60 हजार रुपए चार्ज करती है। और इनकी नेटवर्थ है 4 मिलियन।